गुड इवनिंग एवरीवन। इसके पहले के वीडियोस में मैंने आपको बताया हाउ टू चूज द लेंथ ऑफ एन ईएमए, हाउ टू अप्लाई दैट लेंथ ऑफ एन ईएमए, हाउ टू यूज मूविंग एवरेज व्हाइल डूइंग ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, हाउ टू ड्रॉ चैनल लाइन एंड आइडेंटिफाई द ट्रेंड ऑफ द मार्केट। आज मैं आपको बताऊंगा इन्वेस्टर के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एंड द वैल्यू ऑफ द स्टॉक। प्राइजेज आर ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम वैल्यू, ये हर एक इन्वेस्टर को सबसे पहले समझना है। इन्वेस्टर, जनरल इन्वेस्टर्स जो है या फिर प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स रहते हैं, वो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जिसका प्राइजेज उसके वैल्यू से काफ़ी नीचे है। यानी कि द स्टॉक्स विच आर अंडर वैल्यूड राइट नाउ दे इन्वेस्ट इन दैट स्टॉक, एंड विच आर ओवर वैल्यूड दे सेल दैट स्टॉक्स। ऐसे स्टॉक्स में सेल शॉर्ट करना है, या फिर अगर उस स्टॉक में आपका ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है और वो स्टॉक ओवर वैल्यूड हो चुका है तो उस स्टॉक में से आपको एग्जिट करना है। एक पर्टिकुलर स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे निकालना है, द मोस्ट ईजीएस्ट वे टू इज टू एनालाइज द कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड द अर्निंग्स रिपोर्ट ऑफ द कंपनी। अगर टेक्निकली आपको एनालाइज करना है एक पर्टिकुलर स्टॉक का वैल्यूएशन, तो 50 डे ईएमए और 200 ईएमए को आपको एनालाइज करना है। उससे ईजीली आपको पता चल जाएगा कि जो प्राइस है उस वक्त स्टॉक का वो ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। थैंक यू।